यहाँ पे चिल मरेगा, एंजॉय करेगा, नहा के जाएगा। मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बदरपुर। ट्रेन का रास्ता क्रॉस करना था, बैरिकेड गिरा दिया, लगता है ट्रेन आ रहा है, इसको इंतजार करना पड़ेगा, इसके बाद छोड़ेगा। कौन सा लाइन से आ रहा है पता नहीं, इस तरफ से भी आ सकता है, इस तरफ से भी आ सकते हैं। सुबह सुबह ही हम लोग मेघालय एंट्री करने वाला है और थोड़ी देर के बाद जिगरखाल क्रॉस करके हम लोग मेघालय एंट्री करेगा। ओ देखो ट्रेन आ रहा है, कितना तेजी से जा रहा है रे भाई, बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत तेज, उड़ा के लेके जाएगा हम लोग को, कितना तेजी से जा रहा है देखो बालगरे। चाय की बगीचा देखने में कितना मस्त लग रहा है देखो, असम के अंदर हर जगह देखो पूरा चाय की बगीचा ही बगीचा है, रास्ते के आस पास हो चारों तरफ। रास्ते की हालत देखो भाई साहब, गद्दा बद्दा टूटा फूटा, बीच रास्ता में तालाब बना के रखा है। असम का आखिरी गेट को बाय बाय टाटा करने का टाइम हो गया, अभी एंट्री करना है मेघालय। ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को कितना मस्त लग रहा है देखो वैसा, ओफ ऐसे सीन को दिखता है ना, ये बहुत खुश आ जाता है। सो गाइस फाइनली मेघालय एंट्री कर लिए हम लोग। ये देखो कितना रिस्की रूट है, मेघालय के अंदर ज़्यादातर रिस्की रूट ही दिखते हैं, असम में इतना रिस्की रूट नहीं है। मुड़ के जाना पड़ता है, एक साइड में पहाड़ एक साइड में गाय, ऐसा करके धीरे धीरे जाना पड़ता है मेघालय के अंदर। उस तरफ पानी जो देख रहे हैं ना, उस तरफ बांग्लादेश का हिस्सा पड़ता है, इस तरफ मेघालय, उस तरफ बांग्लादेश। चलो एक दुकान में आके रुका है हम लोग चाय वाय पीने के लिए, कुबेर हमें निकला है, हम लोग सूरज भी निकला नहीं अभी तक। ये ले रहे हैं, ये देखो एक आइटम है, दूसरा तीसरा चौथा सब आइटम है यहाँ पे। ये देखो ये बिस्किट की जैसा, ये भी बिस्किट की जैसा, ये क्या है नीमकी, नीमकी, ये क्या है पेटी, ये कितना है, ये भी एक का दस, इतना महंगा। सो गाइस फाइनली चाय बाय पी लिए हम लोग, अभी निकलना है, एक चाय पिया के साथ और एक नाश्ता भी किया, नाश्ता जैसे है हमारा इधर तो मिलता नहीं है, ऐसा मेघालय में आके आज मिला है, खाया है। चाय 10 रुपया और खाने का 10 रुपया, दोनों खाया है हम लोग, 40 रुपया गया उसके साथ, और कुबा भी लिया, कुबा कुआई, कुआई मेघालय में ज़्यादातर चलता है, कुआई ये खाने के लिए ले लिया। तो चलते हैं मेघालय के अंदर, रास्ते के बगल में जो गहरा गहरा गाय रहता है ना, जिंदगी में किसी और जगह में नहीं देखा। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुका है सोनापुर। ये सोनापुर का पानी है ना हमेशा ग्रीन ही रहता है, क्योंकि ये बारिश की वजह से ऐसे गंदे पानी हो गए। वो देखो कितना गंदे पानी है, सोनापुर का टनल, हर साल यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, इसके वजह से पूरा रास्ते ब्लॉक हो जाता है। कुछ दिन पहले यहाँ पे लैंडस्लाइड होने की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका था। बरसात के मौसम में है ना सोनापुर में हर साल ऐसा लैंडस्लाइड होता है। चिल मारो, मजा करो, टनल को क्रॉस करो। तो गाइस फाइनली सोनापुर का टनल की पास रुका है हम लोग मुंह वगैरह धोने के लिए। ये देखो क्या पहन के जी रहा है हम मेघालय के अंदर, बहुत मस्त मस्ती कर रहे हैं। देखते जाना आप लोग, शुरू से लेके आखिर तक बने रहना मेरे वीडियो के साथ, और भी दिखाने वाला हो अच्छा अच्छा मेघालय के अंदर, बहुत सारे सीन है देखने की भी चीज़ है, उसको देखने के लिए आप इंतजार करना, बने रहना मेरे वीडियो के साथ, जो कुछ मिलेगा सब कुछ दिखाने वाला हो आप लोगों को, और भी दिखेगा आप लोगों को,
गुवाहाटी जाके भी दिखेगा। ये देखो मेरा पीछे टनल, टनल के पास ही खड़ा हूँ मैं, सोनापुर का, सोनापुर का ब्रिज। ये देखो भाई साहब मेरा पीछे क्या है, मेरा पीछे है वाटरफॉल। यहाँ पे चिल मारेगा, एंजॉय करेगा, नहा के जाएगा। देखो कितना ऊंचाई जा रहा है पानी गिर के, इतना सुंदर वाटरफॉल मेघालय के अंदर। हम लोग नहाने जा रहे हैं, बताओ सब कुछ इस वाटरफॉल को देखते रहना आप लोग। इतना बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है, देखो इतना स्नोफॉल जैसा गिर रहा है। देखो ऊपर से पानी गिर गिर आ रहा है, वहाँ से उड़ के जा रहा है, तो बहुत ही जैसा। तो आगे बढ़ते हैं, नहाने के बाद और भी मजा आएगा भाई लोग। अब लोग मेरा वीडियो के साथ बने रहना, देखते रहना, और भी अलग अलग जगह में जाके दिखाने वाला हो ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर जगह मेघालय के अंदर। ऐसा चीज बहुत सारा है देखने का चीज, नजारा देखो। देखो पानी कैसे गिरता है, पूरा आइस की जैसा है ना, बर्फ की जैसा लग रहा है। ये कितना ऊपर से गिर रहा है देखो। ये रहा मेघालय का वाटरफॉल। ये देखो मेरा पेन वगैरह पूरा गीला हो चुका है, नहाया नहीं अभी तक, इससे गीला है, उड़ के आ रहा है ना मेरा पेन पे। इस वाटरफॉल पे नहा बहा के फ्रेश होके जाना है हम लोग। इस वाटरफॉल के साथ मजा लिया था पहला, उसके बाद निकलते हैं इस तरफ जा रहा हूँ हम लोग। ऐसा वाटरफॉल हमारा घर के पास होता ना, रूस नहाता। क्या ही बोलो भाई, इतना मजा आया, मेरा दिल में बहुत खुश है आज। ये अभी नहा रहा है, देखो कितना मजा से नहा रहा है, बहुत दूर से आके नहा रहा है। त्रिपुरा से आया है मेघालय में, नहा रहा है। इतना ठंडा भी नहीं है ना इतना गर्मी भी नहीं है। बहुत मजा ले रहा है। ठंडा है क्या? ठंडा लग रहा है क्या? ठंडा भी नहीं है। मजा मिल रहा है, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेगा। मेघालय के अंदर गर्मी के मौसम में भी ऐसे है, देखो शाम होते ही पूरा बुखारा जैसा आ रहा है, बुखारा निकल के आ रहा है ऐसा लगता है, पूरा फॉग भी दिखाई नहीं दे रहा है।